हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी वीनस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है वीनस की प्लेसमेंट। अगर आपकी लग्न कुंडली में 11th हाउस में है तो किस तरीके के रिजल्ट्स, किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले गाइज, वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में। वीनस शुक्र रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को, सुंदरता को, प्रेम को, विजडम को, लग्जरीज को, आपके पैशन को, आपके रिलेशनशिप को। साथ ही साथ मेल के बर्थ चार्ट में उनकी पत्नी को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करें 11th हाउस की तो 11th हाउस ज्योतिष में रिप्रेजेंट करता है आपके होप्स को, आपकी विशेस को, आपके डिज़ायर्स को। जब आपकी जो भी विशेस हैं, जो इस लाइफ में आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, वो 11th हाउस दर्शाता है। साथ ही साथ आपका फ्रेंड सर्कल, आपका नेटवर्क सर्कल, प्रोफेशनल जो नेटवर्क सर्कल है आपका, आपके बड़े भाई बहन, साथ ही साथ 11th हाउस इनकमिंग गेंस का हाउस है, लाभ भाव। तो आप इस लाइफ में क्या लाभ आपको मिलेगा, क्या आप जो भी कर्म करेंगे उससे आपको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, ये सब हम 11th हाउस से देखते हैं। अब अगर यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, अगर वीनस आपकी लग्न कुंडली में 11th हाउस में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो ऐसा जातक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होता है, बहुत ही मीठी इसकी वाणी होती है और दोस्तों के साथ इसका जो व्यवहार होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इनके दोस्त भी ज़्यादातर हो सकता है कि ऑपोजिट सेक्स से बिलोंग करें। जैसे अगर फीमेल है तो हो सकता है इनके फीमेल फ्रेंड्स हों या मेल फ्रेंड्स हों, और इनकी जो फ्रेंड्स हो वो उनके साथ इनका बॉन्ड बहुत अच्छा हो, बहुत प्रेम हो एक दूसरे में। इनका नेटवर्क सर्कल भी इनसे बहुत प्रसन्न रहता है। ये प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में या अपने पर्सनल नेटवर्क सर्कल में बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना, चार्मिंग पर्सनालिटी, जिनके आने से पूरी रौनक आ जाए। कहीं भी ये कोई टाइप करने जाएं, कोई मीटिंग करने जाएं, तो इनसे मिलकर इनके ओवरऑल पर्सनालिटी को देखकर लोग इम्प्रेस हो जाएं और वो कॉन्ट्रैक्ट, वो डील इनकी हो जाए। एक अलग ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक अलग ही चार्म इनके अंदर होता है। बहुत ही क्रिएटिव नेचर के होते हैं। इन्हें हमेशा अपने रिलेशनशिप को लेकर इक्वल गिव एंड टेक की भावना रहती है कि अगर किसी ने मेरे लिए किया है तो मुझे उसके लिए उससे भी ज़्यादा करना है। इसीलिए इनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 11th हाउस में जब वीनस बैठते हैं तो ये आपकी हर तरह की विशेस को, होप्स को, डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हैं। साथ ही साथ 11th हाउस में जब वीनस होते हैं तो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी बढ़ाते हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस, वेल्थ को अट्रैक्ट करने में, आपकी लाइफ में हर तरह की लग्जरीज, यहाँ तक कि आपका जो बड़ा भाई बहन होगा उसकी भी एनर्जी इसी तरह की होगी, वो आपके लिए बहुत लकी हो सकते हैं, उनके साथ आपका रिश्ता बहुत मधुर हो सकता है। साथ ही साथ बड़े भाई बहन के आइडियाज़ को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। वीनस जब 11th हाउस में बैठते हैं तो ऐसा जो जातक होता है, इनकी ज़्यादातर फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं या ये कोई ऐसा काम करें जो कि फीमेल से रिलेटेड हो। जैसे प्रोफेशन में अगर मैं बात करूँ तो बिज़नेस रिलेटेड विद एनी फीमेल प्रोडक्ट्स, लाइक ब्यूटी पार्लर हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग, या कॉस्मेटिक बिज़नेस हो गया, ज्वेलरी बिज़नेस हो गया, या रियल इस्टेट बिज़नेस हो गया, कोई भी ऐसा बिज़नेस, फर्नीचर बिज़नेस हो गया, डेकोरेटिव आइटम से रिलेटेड कोई बिज़नेस हो गया, या फूड एंड रेस्टोरेंट बिज़नेस हो गया, इस तरह के बिज़नेस इनके लिए बहुत शुभ होते हैं। और अगर इनका कोई पार्टनर हो जो कि फ़ीमेल हो या इनकी वाइफ हो खुद, तो बहुत ज़्यादा इसमें इनको लकी साबित हो सकता है। इसके अलावा जैसे बैंकिंग फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छा कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग में अच्छा कर सकते हैं, फॉरेन जाने के भी योग बनते हैं। फॉरेन में जाके वेल सेटल्ड होना, बहुत बड़ा घर बार बनाना, बहुत ही ज़्यादा एक लग्जरियस लाइफ जीना, इस तरह की इनकी एनर्जीज़ होती हैं। 11th हाउस में जब वीनस होते हैं तो कई बार ये भी देखा गया है कि पत्नी के आने के बाद भाग्योदय होता है। ऐसे जो जातक होते हैं
प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि इनकी जो पत्नी से मीटिंग होगी वो किसी सोशल गैदरिंग में हो सकती है, या किसी फ्रेंड्स के थ्रू हो सकती है, या किसी पार्टी में हो सकती है। इनकी पत्नी के इनके ज़िंदगी में आने के बाद कई बार पत्नी इतनी भाग्यवान होती है कि इनका लाभ होता है, ये जो भी काम कर रहे हैं उसमें सडनली बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस ये अट्रैक्ट कर पाते हैं। वीनस जब 11th हाउस में बैठते हैं तो 11th हाउस से वीनस की जो दृष्टि जाती है वो 5th हाउस पे जाती है। तो 5th हाउस आपके क्रिएटिव टैलेंट्स का होता है, आपके बच्चों का होता है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन का होता है, साथ ही साथ आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ का होता है, आपके लव अफेयर्स का होता है। तो इन सब मामलों में भी वीनस आपके अगर पॉजिटिव हैं तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपका बच्चा फीमेल हो, पहला चाइल्ड फीमेल चाइल्ड हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है। डिपेंड करता है कि साथ में और कौन से ग्रह हैं पंचम भाव में। इसके अलावा आपके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है, जैसे बचपन से ही आप आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, ड्राइंग में, म्यूज़िक में, या बहुत सारी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, या एक्टिंग आप बहुत अच्छी करते हैं, या फिर आप पॉलिटिक्स में आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, आप रिस्क टेकिंग कोई भी काम कर सकते हैं। इवन लव अफेयर्स भी आपके लाइफ में होते ज़रूर हैं, क्योंकि वीनस की जब दृष्टि जाती है 5th पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि कभी ना कभी आपको किसी से प्रेम ज़रूर हुआ होगा, और वो ऐसा प्रेम होगा जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। अगर बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस अच्छी रही तो हो सकता है आपकी लव मैरिज हो या लव कम अरेंज मैरिज हो, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर यहाँ पर शुक्र कमज़ोर हैं 11th हाउस में तो किस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे? 11th हाउस में अगर शुक्र कमज़ोर है तो सबसे पहला जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा, बड़े भाई बहन से आपका रिश्ता कमज़ोर हो सकता है, आपके ऊपर किसी फीमेल के द्वारा कोई ब्लेम लग सकता है, आपके कैरेक्टर पर कोई ब्लेम लग सकता है। कई बार शादी के बाद आपकी लाइफ में भाग्योदय तो होगा लेकिन फिर सडनली सारा पैसा डूब जाए, सडनली आपका पैसा बिल्कुल ख़त्म होने लगे, आपका रखा धन खर्च होने लगे, या फिर आप किसी गलत संगत में पड़ जाएं, आपका नेटवर्क सर्कल ऐसा हो जिसमें आपके ऊपर कोई ब्लेम लग जाए, या आपके पैसे गलत संगत में खर्च हो जाएं, गलत आदतें आप पकड़ लें, बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव हो जाए, पैसे आएँ और तुरंत खर्च हो जाएँ, सेविंग्स ना कर पाएँ, इस तरह के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने मिलते हैं। तो ये थी गाइस वीनस इन 11th हाउस पर मेरी एक छोटी सी वीडियो। इनमें से कौन सी सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है, गुड और बैड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।